आज का पेपर बहुत ज़्यादा बढ़िया गया। पहला पेपर कंपेरेटिवली आसान था, लेकिन सेकंड पेपर कंपेरेटिवली हार्ड था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें जीरो नेगेटिव मार्किंग थी, अगर वो भी कर ले तो भी काफ़ी अटेम्प्ट किया जा सकता है, तो सेकंड पेपर भी लगभग ठीक ही गया, बट पहला पेपर ज़्यादा अच्छा गया था। आसान मैथ आ रही है, लग रहा है मैथ की तैयारी जबरदस्त हुई है तुम्हारी, तैयारी का भी फर्क है, मिल रहा है आउटपुट मैथ के अंदर ऐसे एफर्ट में, मैथ्स में ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, ये बच्चे जेई एडवांस की एग्जाम देकर लौट रहे हैं, आसान लगे मैथ्स में ज़्यादा अटेम्प्ट। तो कट ऑफ पिछले साल से बढ़ेगी घटेगी? जहाँ तक मेरे को लग रहा है पिछले साल से कट ऑफ बढ़ेगी, थोड़ी बढ़ेगी। तो पीसीपी ने आज के एग्जाम के लिए बच्चों के स्पेशल अरेंजमेंट्स किए थे, लगभग 15 गाड़ियों के काफिले में एसी गाड़ियों में बच्चे एग्जाम सेंटर्स तक पहुँचे, जो अपने स्तर पे गए वो अपने स्तर पे हैं, और वन बाय वन सीकर के एग्जाम सेंटर से गाड़ियाँ आती जा रही हैं और बच्चे एग्जाम दे के लौटते जा रहे हैं। एसी गाड़ियों में इन्होंने दोपहर का ब्रेक लिया और पेपर देकर आ रहे हैं, प्रसन्नचित भी लग रहे हैं बच्चे जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो बच्चों को जो रफ सॉल्व करना था पेपर, उसके लिए बुकलेट दी गई है, यस सर। उस बुकलेट से भी अपन बच्चों का आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में क्या क्या तरीके अपनाए, किस तरह अप्रोच की, बताएं बेटा आज के पेपर के बारे में बोले। सर जैसे पहला पेपर था तो वो थोड़ा ठीक था, मतलब वो सभी के पेपर टफ होने चाहिए सभी सब्जेक्ट के, उसकी तुलना में अपन कहे तो सभी के 6 पोर्शन मान ले, फर्स्ट अटेम्प्ट के फर्स्ट पेपर के 3 और सेकंड के 3, तो 6 में से एक लेवल ही ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा सेकंड पेपर की फिजिक्स का, बहुत बढ़िया। तो इस ढंग से नेगेटिव मार्किंग भी कम हुई है, 360 में से 180 नंबर का पेपर ऐसा है जिसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका मतलब कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, कट ऑफ बढ़ने की संभावना है, बहुत बढ़िया। तो भवेश जी पेपर दिला के लिए बच्चों से, किस तरह की व्यवस्थाएँ दी आपने बच्चों को आज के पेपर में? सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी जी, बच्चों को फर्स्ट पेपर के बाद में अच्छी तरीके से नाश्ता दिया गया, बिल्कुल हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए तैयार करके संस्था के द्वारा भेजा गया था, लंच टाइम में ब्रेकफास्ट दिया, बिल्कुल बिल्कुल। लाओ बेटा इधर आओ जी 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 जी, तो बच्चियाँ भी आ रही हैं, बताओ बेटा पेपर के बारे में कोई कॉमन कमेंट? फिजिक्स का सेकंड पेपर टफ था थोड़ा जी जी, और मैथ्स का आसान था, और आप बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं, 6 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करके आए जी जी, सुबह 6 से शाम को 6 बजे आ रहे हैं, चलो रेस्टिंग मोड में जाएंगे बच्चे अब। तो जैसे ही बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं तो बच्चों का मतलब काफी खुश हैं बच्चे, खुश हैं, उत्साह है, उत्साह है जी जी। तो लग रहा है कि बच्चे पेपर फोड़ गए हैं, कुछ उत्साह दिखा भी नहीं रहे हैं, कुछ ज्यादा सीरियस भी हैं। हाँ, ये तूफान से पहले की शांति लग रही है। हाँ, पेपर का सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, एनालाइज करेंगे तो फिर स्कोर को और अच्छी तरह आंक पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टिया बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिख रहा है, वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अच्छा, कुछ शोर मचाने वाले लग रहे हैं, खुद शोर नहीं मचाएंगे, अब ये 9 जून का वेट कर रहे हैं, 9 जून कि 9 जून को शोर मचाएंगे जी जी। तो जेई एडवांस का पेपर देके बच्चे पहुंच रहे हैं, पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा सर जी, क्या लगा पेपर के बारे में टिप्पणी करें, तीन लाइनों में मैं पेपरों के बारे में बता दूँ, तीनों सब्जेक्ट के बारे में। पहली लाइन फिजिक्स तो थी थोड़ी ठीक, केमिस्ट्री मॉडरेट, मैथ तो जितनी उम्मीद की तरह उसे काफी इजी आ गई, मैथ इजी आ गई, फिजिक्स थोड़ी ठीक, मतलब फिजिक्स ने जेई का सम्मान रखा, एडवांस का सम्मान रखा, और मद्रास ने मैथ का मतलब सम्मान नहीं रखा, जितना उम्मीद थी ना उसे कम ही गई मैथ को जी जी, तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर सके, आसान पेपर माना जाएगा इसको। ओवरऑल पेपर को देखें, एडवांस का पेपर जो पुराने आपने दिए उसके हिसाब से, पिछले वाले पेपर जो 23 का पेपर था ना उससे ठीक था, और कंपेरेटिव पीछे वाले के लेवल एकदम मैच था जी जी, बहुत बढ़िया। ओवरऑल तीनों सब्जेक्टों का पेपर कहें तो ओवरऑल पेपर बढ़िया था सर, कुल मिला के बात ये बढ़िया, रंग में या वजन में या देखने में, तीनों में, सोल्व करने में बताइए। बहुत अच्छा गया, किस सब्जेक्ट का सबसे अच्छा गया? मैथ्स का जी जी, बहुत बढ़िया, मैथ्स आसान थी, आसान थी, और टफ क्या था? सेकंड पेपर में फिजिक्स टफ थी जी जी। आ जाओ बेटा, आ जाओ इधर, आ जाओ, कैसा क्या लग रहा है, ये आशीर्वाद ले रहा है, इसका मतलब रिजल्ट अच्छा देने वाला है शायद? पर एकदम मस्त गया है, एकदम जी मस्त गया जी सर। थोड़ा रिमार्क करें, टिप्पणी करें पेपर के ऊपर सब्जेक्ट वाइज। पेपर
हर साल 2016 के कंपेयर में इजी था पेपर, वही जो पीसीबी में होते हैं उससे लेवल कम ही था उनका। पीसीबी के पेपर के लेवल की तुलना में कम था तो आपको पेपर अटेम्प्ट करने में आसानी हुई? यस सर। तो आप एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, देखो बच्चे भी, नए बच्चे जो 25 में एस्पिरेंट है 26 के हैं वो भी बड़ी उत्सुकता के साथ सुन रहे हैं भाई क्या रिमार्क रहेगा। तो योगेश सर, अरविंद सर, आप बताएं फिजिक्स के पेपर के बारे में आज का रिमार्क। आज सेकंड पेपर थोड़ा टफ है, बाकी वो सबके लिए सारी समस्या करेगा तो रैंकिंग के हिसाब से ठीक रहेगा। उतना मैथ्स और केमिस्ट्री इजी हो गया तो पेपर अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होगा तो फिर जेईई एडवांस कहाँ से रही। हाँ भाई, तीनों सर आपका क्या मानना है? जी योगेश सर, क्या मानना आपका? जैसे पेपर टफ होना ही चाहिए, एक्चुअली तैयारी की होती है तो पेपर टफ में बढ़िया रहता है सर। जी जी हाँ सर, अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छी तैयारी में पेपर, हाँ सर, अच्छे लेवल का होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो पीजी सर, आपका पेपर थोड़ा आसान बता रहे हैं सर? वो एक्चुअल में आसान ही, बच्चों को आसान लग रहा है क्योंकि बहुत अच्छे मेहनत की गई है, तो एक्चुअल कारण सर वो। जी जी। और जैसा बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पेपर पीसीबी में काफी अच्छे लेवल के होते हैं तो उससे उनको वहाँ पर ज्यादा डर लगा नहीं पेपर का, क्योंकि वहाँ पेपर का लेवल उनको कम ही महसूस जी, हुआ जी। तो ओवरऑल बच्चे बहुत अच्छा काम करके आए। पेपर टू का फिजिक्स टफ बताया जा रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा बताया जा रहा है, और बाकी एक बस और आ चुकी है तो लाजा बड़ा बताओ मिस्टर जेरा का बत। पेपर ठीक नहीं, इजी था पेपर, इजी था। कुछ लोग तो बता रहे हैं फिजिक्स का अच्छा था, टफ था। फिजिक्स का यूं इजी था पेपर, ओवरऑल इजी था। ओवरऑल इजी था जी जी। केमिस्ट्री मैथ कैसा था? मैथ भी ठीक ठीक थी जी जी, केमिस्ट्री इजी थी। फिजिक्स इजी थी एंड केमिस्ट्री मेरे को टफ लगी एंड मैथ मॉडरेट। तो ये बच्चों के सब्जेक्ट वाइज खुद के वेरिएशन भी आ रहे हैं, जिसका सब्जेक्ट जितना स्ट्रांग होता है उसको वो सब्जेक्ट उतना ही आसान लगता है। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर केमिस्ट्री के बारे में आप रिमार्क करें सर। केमिस्ट्री एज यूजुअल थी, जैसे 2023 और 2022 में आई थी, मतलब मॉडरेट लेवल रहता है वैसे हर बार केमिस्ट्री रहा, और इस बार भी बहुत ईजी था केमिस्ट्री। और जो बोला जाता है ना ऑर्गेनिक में कि दो चैप्टर बहुत अच्छे कर लीजिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कंपाउंड, वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो इस बार का पेपर एज यूजुअल जैसे 2022 का था वैसे 2023 का था, और वैसे क्या लेकिन नेगेटिव मार्किंग कम है इसलिए कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी। यस सर बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आपने जेईई एडवांस 2024 के बारे में स्टूडेंट्स की रिएक्शन, फैकल्टीज की रिएक्शन सुनी, और जैसा कॉन्क्लूजन के तौर पर हम पहुँचते हैं तो जेईई एडवांस 2024 का जो पेपर है जिसको अपन मध्यम लेवल का पेपर कह सकते हैं, फर्स्ट पेपर था वो अपने आप में कंपैरेटिवली आसान था, सेकंड पेपर को फर्स्ट की तुलना में थोड़ा टफ बताया गया। उसके बाद में अपन सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें तो फिजिक्स के पेपर को कंपैरेटिवली बेटर टफ बताया गया, केमिस्ट्री मैथ्स के पेपर को कंपैरेटिवली आसान बताया गया, मॉडरेट बताया गया। और मैं कहना चाहूँगा कि नेगेटिव मार्किंग इस बार 360 में से 80 मार्क्स ऐसे थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो बच्चे के क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़े लेकिन अटेम्प्ट के साथ एक्यूरेसी जिनकी अच्छी होगी उनका स्कोर निश्चित रूप से हाई जाएगा, और ऐसा अपन अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले सालों की तुलना में कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। बिल्कुल, 2023 में अगर देखा जाए तो 86 मार्क्स कट ऑफ गई थी, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो देखा दोस्तों, आपने पीसीपी प्रिंट सीकर के स्टूडेंट्स जेईई एडवांस की एग्जाम दे के सुबह 6 बजे गए थे, शाम को 6 बजे 12 घंटे बाद पहुंचे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और शानदार रिजल्ट पीसीपी के स्टूडेंट्स जेईई एडवांस में देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।